myself Deepthi Rangnani. Today we will deals with spectroscopy, and in spectroscopy today we will study classification of band spectra. In this classification we will study three types of spectra: rotational spectra, vibrational rotational spectra and electronic spectra. बैंड स्पेक्ट्रा के वर्गीकरण में हम तीन तरह के स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे: घूर्णन स्पेक्ट्रा, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम घूर्णन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। पदार्थ को दी गई ऊर्जा यदि किसी भी अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है तो हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम या रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए कम से कम अणु में 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए, और इस ये ऊर्जा जो है वो अणु में घूर्णन उत्पन्न कर सकती है, और इन संक्रमणों में निहित क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है, और घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल फार आईआर रीजन या माइक्रोवेव रीजन में मिलते हैं, इसलिए इसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में बैंड स्पेक्ट्रम ना आकर के रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल्स टू ±1 होता है, जहाँ पर जे रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है। अब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अणु की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो रोटेशनल एनर्जी से अधिक होती है, और इसके लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी जो अणु को मिलती है वो आईआर रीजन से मिलती है, इसलिए इस जो स्पेक्ट्रम है इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसको इसका जो दूसरा नाम है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। और इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ±1 और डेल्टा जे इज इक्वल्स टू ±1 होता है। वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है और जे जो है वो घूर्णन क्वांटम नंबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो प्योर नहीं होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में के अंदर रोटेशनल लाइंस जरूर प्राप्त होंगी, इसलिए ये मिक्सचर होता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, इसका नाम इसीलिए पड़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। यदि किसी भी अणु को और अधिक ऊर्जा दें, जैसे 5 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए पर्याप्त होती है, और अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर N1 से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर N2 में संक्रमण होता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के और ये जो एनर्जी है वो किसी भी मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन से मिलती है, इसलिए इसे अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इसके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो डेल्टा एन इक्वल टू ±1, डेल्टा वी इक्वल टू ±1 और डेल्टा जे इक्वल टू ±1 होता है, जहाँ पर एन जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, वी जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, और जे जो है वो घूर्णन क्वांटम संख्या होती है। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा पढ़ा। अब आगे हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? किसी कण की संपूर्ण स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो आवश्यक स्वतंत्र राशियां या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स, उनकी जो संख्या होती है उन्हें हम कण की स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि अगर कोई भी कण सीधी रेखा में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। अगर कोई कण दो डायरेक्शंस मतलब अगर वो किसी प्लेन में चल रहा है तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो एक्स और वाई दोनों देने पड़ेंगे, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। अगर कोई कण त्रिविम में चल रहा है तो उसकी स्थिति को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और इसलिए उसको हम 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के द्वारा उसकी स्थिति को लोकेट कर सकते हैं, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो ये एक कण की बात हो रही है, और हमें पता है कि किसी अणु में n एटम्स होते हैं, तो अगर किसी एक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो n एटम्स, तो एक अणु की जो एक परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो एक अणु जिसमें कि n परमाणु होते हैं उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3n। और हमें पता है कि जो कोई भी अणु होता है उसके 3 तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, है ना। तो ट्रांसलेशन मोशन 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई जेड, इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। रोटेशनल मोशन जो है वो अगर डिपेंड करता है कि कोई मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, अगर कोई मॉलिक्यूल लीनियर है जैसा कि दिखाया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक एक्सिस तो वो खुद ले लेगा, जैसे कि ये एक्स एक्सिस पर विराजमान है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के रूप में। तो चूंकि एक एक्सिस इसने खुद में ऑक्यूपाई कर रखी है, इसलिए इस मॉलिक्यूल के रोटेशन के लिए 2 एक्सिस जैसे कि चित्र में दिखाई गई है वाई और जेड फ्री हैं, अतः इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी। और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा
उसने कोई भी एक्सेस नहीं ले रखी है, जैसे कि दिखाया गया है वाटर वी शेप में है, इसने कोई भी एक्सेस पर या अभिविन्यासित नहीं है, इसीलिए इसके जो रोटेशन है उसके लिए तीनों एक्सेस फ्री होंगी एक्स वाई जेड, इसलिए इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो तीन होंगी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से रोटेशनल और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को माइनस करने पे प्राप्त होती हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी 3n-5, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी 3n-6। तो जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं इसको हम अलग अलग परमाणु और अणु के लिए निकालने के लिए एक टेबल इसमें दर्शाई गई है। जैसे कि फर्स्ट परमाणु है हीलियम, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक हैं, इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो जाएंगी, इसलिए 3 होंगी। इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, रोटेशनल 0 होंगी, और कंपन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 होंगी, क्योंकि रोटेशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि दो एटम्स जब तक नहीं होंगे तब तक रोटेशन होगा ही नहीं, और कंपन की 0 होगी। टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है H2, इसमें दो परमाणु है तो इसमें 3n, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होंगी। चूँकि ये लीनियर है इसलिए रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी, स्थानांतरण की 3 होंगी सबकी, और वाइब्रेशनल की 6-5=1 होगी। फिर थर्ड मॉलिक्यूल दे रखा है वाटर, वाटर वी शेप में होता है, नॉन लीनियर होता है, और इसमें चूँकि 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, इसकी टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3n-9 होंगी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए 3 होती हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 होंगी क्योंकि ये नॉन लीनियर है, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी 3n-6=3। फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है इसलिए इसके लिए 3, 9, 3, 2, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी। फिर दे रखा है C2H2 जो कि इथिलीन है, ये भी लीनियर है, इसमें 4 एटम्स हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होंगी, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 7। लास्ट मॉलिक्यूल है C6H6, इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 होंगी क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें 6 और 6 12 हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 36 होंगी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबकी 3 होती हैं, रोटेशनल इसकी 3 होंगी क्योंकि ये नॉन लीनियर है, इसीलिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो 36-6=30 के बराबर होंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने आज ये पढ़ा है कि कितने तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, 3 तरह की, और उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।